अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग सब? अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और पीछे का कपड़ा इग्नोर करिए, वो मेरा लड़का का यूनिफॉर्म का शर्ट है, तो उसको बहुत पसीना होता है ना, तो ऐसा सूखाने के लिए डाला। अभी उठा लेंगे, थोड़ा सूख जाएगा ना तो उठा कर रख देंगे। तो आप लोग कैसे हो बताने का? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी सब अच्छे हो। आज है जुमेरात, जुमेरात है, कल लाल विदा जुम्मा है। तो ये मेरा रोज़ा कंटिन्यू चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। आज भी रोज़ा हूँ मैं, और मैं बहुत दिन, अभी उस दिन बाल थे और आज थे बाल, क्योंकि ना मेरा बाल बहुत झड़ने लग गया, पसीना बहुत होने लग गया ना, तो इसके लिए धोना पड़ता है। और बाहर जा तो अभी रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लाना ही पड़ रखता है, तो और भी ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे आज फिर जाना पड़ेगा शायद, वो लादी पोछने वाला जो गाला का जो पोछा है ना, लादी पोछते जो पोछा वो टूट गया, 2-3 दिन का ऊपर हो गया, टूट गया, उसको लाना पड़ेगा। एक झाड़ू लाना पड़ेगा, झाड़ू नहीं है, झाड़ू भी खराब हो गया, झाड़ू लाना पड़ेगा। ये सब लाने के लिए जाना पड़ेगा, मेरा ऐसा ही है। नहीं जाने के लिए सोचती, जितना उतना ही घर के कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है, जो जाना ज़रूरी बन जाता है। अभी चावल चुननी, बैठ बैठ के चावल को चुनना पड़ता है, चुन ली अच्छे से, अभी जा रही चावल बैठो, एक मिनट है, चावल में एक कंकर, चावल बैठाओ जा रही हूँ, फिर देख लूँ क्या भाजी बना तू, भाजी क्या है देखो, डब्बा खोल के फ्रिज के, तो कुछ भाजी बना देंगे इन लोग के लिए, और चावल बन जाएगा तो हो जाएगा। और इफ्तारी के लिए देख लो आज क्या बना तू, रोज रोज मटन चिकन अच्छा नहीं लगता, आज कुछ वेज बनाएंगे इफ्तारी के लिए। बस चावल चुन रही थी मैं अच्छे से साफ करके, मैं चावल बैठा, तो यही था। तो मैंने बोली चलो वीडियो भी ऑन कर दो, आप लोग से बात भी कर लो, तो चलिए देखते रहिए आज पूरा दिन क्या करो क्या नहीं करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसे नहीं लगते। तो चलिए मिल लूँ, और हस्बैंड बोलते और थोड़ा दिन फिर सब बंद हो जाएगा ये सब खाना। मैंने लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग नहीं खाते ना इतना ये सब मटन चिकन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक दिन चिकन खाए बस, मटन तो कभी कभार खाए वही, और मच्छी ज़्यादा से ज़्यादा खाती हूँ, आप लोग को पता है मैं मच्छी ज़्यादा से ज़्यादा खाती हूँ। लेकिन अभी रोज़ा रखते बोल के मच्छी लाने के लिए जाना नहीं, जाते नहीं, बहुत लंबा जाना पड़ता है, तो हस्बैंड बोल रहे नहीं अभी रोजे में मत जाए, रोज़ा ख़त्म हुए उसके बाद जाने का, तो इसके लिए बोलता है तब तक मैं चिकन उकन ला के देंगे, चिकन ये करने का। तो कल समोसा बनाई थी, खाई अच्छा ही लगा, पहली बार मैं बनाई थी चिकन समोसा, मटन किमा समोसा बनाई थी। तो अभी आज देख रहे हो आज कुछ वेज बना लेंगे बस, हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिए, टाइम भी बहुत होते है, अरे फटाफट करो, फिर नमाज कुरान सब पढ़ने का भी है, वो सब भी ये करने का। उधर बटाना, बटाटा काट ली, बटाना साफ करके ली, और बटाटा भी काट ली। ये बनेगा बटाना, बटाटा डाल के फलवर की भाजी, फलवर भी काट के लिए बड़ा बड़ा करके काटे जाते गले ना, फलवर बटाना डाल के भाजी, और बस कुछ नहीं। आज बनेगा फलवर बटाना डाल के भाजी, हस्बैंड का फेवरेट भाजी है फलवर बटाना का, तो भाजी बनेगा। और इफ्तारी में सोच रही हूँ आज बटाटा का भजिया, बटाटा पकौड़ा, कांदा भजिया ये सब बना देंगे, और फलवर को बॉईल कर लूँ तो फलवर मंचूरियन, फलवर बना देंगे मंचूरियन का,
थोड़े थोड़े होना ऐसे काट के लिए इसको बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करके लेंगे ना, फिर इसको मंचूरियन पाउडर लगा के सब लगा के रख देंगे, मंचूरियन फ्लेवर बना देंगे तो सब कोई खा लेंगे। तो यही बनेगा और कुछ नहीं। और बैंगन काट लेंगे, बैंगन का पकौड़ा। बस इफ्तारी में आज ऐसा ही सादा, ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं, ज़्यादा नॉन वेज भी नहीं खाने का। तो चलो फटाफट कांदा काट लूँ, पहले भाजी बटाओ, फिर इफ्तारी का सब काटेंगे। फ्लेवर काट ली, उसको भिगा बॉयल बटा दूँ, वो बॉयल होते रहे, थोड़ा बॉयल हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। और बाकी सब काट कुट के लो बनेंगे। तो चले मिल लो, चले फ्लेवर फ्राई करेंगे। नमक डाल दो, नमक डालने से क्या फ्लेवर फ्राई होते होते मैं मेरा ये काला मिर्च की पाउडर ख़त्म हो गया, इसको पीस लूँ, काला मिर्च की पाउडर बना लूँ। और इधर फिर मसाला पीसने का, इसमें जीरा डालने का, आधा कांदा, एक मिर्ची, दो टमाटर, अदरक लहसुन डाली और जीरा डाल के इसको पीसने का। चलिए इसमें जीरा डाल दूँ, कांदा डालेंगे। और मैं खड़े खड़े बटाटा काट के ले रही थी, इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर सब डाल दी इस बार में। चलिए वैसे इसमें बटाना कूट के डाली, मेरा हस्बैंड का खाने का बहुत ढंग जाता, उनको बटाना कूटा हुआ चाहिए, बटाना कूट के डाल के बनाने का भाजी। इसके लिए बटाना कूट के डाल दी, कलर भी डाल दी क्योंकि उसको मसाला का सब भून भूने काटते थे। नीला दे उन लोग को जल्दी से, मैं भूल ही गई बोलना, काल ही बोल, आज सुबह भी बोल रहा था, काल भी बोल रहा था। अभी इसमें कोतम भी डालेंगे, वैसे हो गया, ढक के रख दो। इन लोग को नीला ही जा रहा है, नीला वैसा का के लिए फसफसाने के लिए करना। देख पूरा कपड़ा गिल्ला हो जाएंगे, सूखा कपड़ा है। हाँ स्टूल ले, मेरी गुलाब की झाड़ को काट के दिए, बोल के कितना डाल आया उसमें, गुलाब भी आएंगे सब, कल ही आया लाल 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 से पत्ता निकला और कल ही आए। और मटके को इधर रखिए, मटके को ऐसा कपड़ा पहना के इधर रख दी, ठंडा है पानी चारों को नीलाने का। मार टिक करके, अभी टिक करके मार, टिक करके ये कर, वैसा ही कर बस, मानना उधर ये दोनों, पहले ये दोनों को नीलाना। अली गया, अली किधर है, बुच्छू किधर है, बुच्छू गया मटके के अंदर, मटके का अंदर हाँ भाग गया। हाँ बुच्छू बाहर है, बुच्छू इसको नीला, बुच्छो भाड़ा अंदर घुस गया, बुच मियाँ अंदर गया,
मियाँ कौन बुला रहे? बुच्छू बोले तो आता है। लिया तू तो नहाता है ना? मरियम बेटा नहा लो। मरियम पीला वाला का नाम मरियम है। अरे वो देखे बुच्छू के अंदर घुस के बैठा है। निकल निकल। हाँ निकला भी नीला। अच्छा नीला फिर भाग रहा है अंदर। इन लोग को नहीं नहलाएंगे ना, बहुत गर्मी है। इन लोग को ये डी बाटी, उसका अंदर एक काला बाटी है, देखिए दिखाई दे रहा है ना बड़ा वाला, नहलाने के लिए दी, लेकिन उन लोग नहाता ही नहीं। किसका अंदर घुसा बुच्छो? हिला मत उतना। चले गए बटाटा पकौड़ा बनाने का। पहले बटाटा पकौड़ा बना, फिर मंचूरियन है, कांदा पकौड़ा है, सब बनाने का। पहले मैं कुछ भी नहीं डाली, देखिए बटाटा पकौड़ा। कौन? हाँ क्यों? चलिए बटाटा हो गया, अभी कांदे का बड़ी। मैं खड़े खड़े दोनों ही कर रही हूँ, दोनों काम करना पड़ रहा है मेरे को। पकौड़ा भी तल दूँ, ऊपर से फूड भी काट रही हूँ। लड़की आज काट के नहीं गई है, उसकी तबीयत खराब है, भूखा डरा रहा है उसको। मंचूरियन बन रहे फलवाड़ की। हो गया आज का इफ्तारी बना के, बटाटा पकौड़ा, ये फलवाड़ मंचूरियन, कांदा भजिया। बटाटा पकौड़ा कैसे फूगा देखे, कुछ भी नहीं डाली फिर भी ये सब फूगा। और फूड देखा रही, अरे फूड की थाली सज गया, फूड की थाली, कलरफुल फूड। पेड़ू आम, कल हस्बैंड आम लेके आया था 11:30 बजे जब काम से है तभी लेके आया हम। कलिंगर, थोड़ा संतरा ली, अंगूर, केला, एप्पल, खेजू, बस यही है। चले गए दस्तरखानी सज गया। शरबत अजली टैंक ली, टैंक का ऑरेंज शरबत ली, ऑरेंज जूस। इधर फूड थाली, अरे थाली आया, प्लेट आया वो। अरे चले दुआ हुआ पढ़ लो, फिर मिल लो आप लोग को रोजा खोलने के बाद। तो गाइस मेरा नमाज कुरान सब हो गया, तो ये रोजा खोली, उसके बाद ही मैं मगरिब की नमाज पढ़ लेती, फिर कुरान पाक पढ़ती, फिर ईसा लग जाती है तो अब पढ़ती नहीं, ईसा लग जाने के बाद अब पढ़ती नहीं, क्योंकि हस्बैंड बोलता है। फिर तारावीह की नमाज होता है 9:30-10 बजे तक, इसके लिए पढ़ती हूँ, तो वो सब पढ़ के लिए तो सब हो गया। और अभी बज रहा 10:42 हो गए। चावल बैठे हैं, चावल। तो चलो भाई हम लोग का खाना हो गया सबका, चारों का। अभी सोने जाने गए, और अभी बज रहे 12:14 हो गए। चलना बिस्तर डालना, हस्बैंड बिस्तर डाल के दिया, वो खाना खाया बिस्तर डाल के वो सो गया। अभी ये बिस्तर डाले अपना, मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि सुबह फिर उठना पड़ता है शायरी के लिए, रोजा रखने के लिए मेरे को सुबह 4:30 बजे ही उठ जाना पड़ता है। मेरा हो जाता है आधा घंटे में सब हो जाता है, तो इसके लिए तभी उठेंगे।
और तेल लगाई, शैम्पू की थी बाल को, मेरी ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा, पसीना के चलते ना पसीना होती है मेरे को बहुत ज़्यादा, अभी भी पसीना से गिल्ला गिल्ला, तो पसीना बहुत होती है तो बहुत बाल झड़ने लग गया। इसके लिए क्या कि मैंने अभी शैम्पू चेंज करके आयुर्वेदिक शैम्पू लेके, मेरा जो पहला शैम्पू था मैं हमेशा लगाती थी वही शैम्पू लेके आई, तो दो दिन अभी दो बार से वही शैम्पू लगा रही, तो थोड़ा बाल झड़ना कम हो गए, उसमें बाल झड़ना कम हो जाता है और फिर नया बाल भी वो निकलता है। तो ये जाड़ सोने के लिए सो जाओ थोड़ी देर, फिर उठने का 3-4 घंटा सोने मिलता है फिर उठो। अभी बिस्तर में गिर के अभी तुरंत नहीं सोती, अभी जाने का भार थोड़ा स्प्राइट को ख़त्म कर दे, तो अभी जाने का बाहर थोड़ा, जो मुंह धोने का बात तुमने जाने का मुंह धोने का धो धो के आने का, थोड़ा सी तो है एक एक गुटी मिलेगा, उधर से आके फिर सोने का, फिर लड़का मैं दोनों जन बिस्मिल्लाह पढ़ने का, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का, सब सोने का पहले की दुआ सब पढ़ने का, कलमा पढ़ती हूँ हम लोग, कलमा पढ़ती हूँ सब पढ़ के, फिर मैं दुआ पढ़ के फिर दिल में नियत बंद के सोती हूँ जब मैं सुबह उठ पाऊँ, लेकिन नियत बंद तो 4:30 बजे जब उठ पाओ, ऊपर अल्लाह ने पहले ही नॉक ना 3:30 बजे मेरा आपकी पट करके खुल दे, उठती हूँ मेरे को लगता है अरे 4:30 बज गया, जा तू बात तुमको आके मोबाइल देखो अरे 3 बजा, कभी देख तू 3:30 बजा, मैं बोली इतना जल्दी क्या करने का, फिर थोड़ी देर इधर उधर लेट लेट के ये कर, फिर उठ जा तू ऐसा सब करके फिर सोती हम लोग, फिर आयू या कायम वो भी पढ़ती हूँ, वो एक जन ने बोला था हम लोग के फैमिली मेम्बर ने, जब मेरे को कोरोना हुआ था ना तब भी बोला, कोरोना का टाइम पे इन लोग मेरा हस्बैंड को बोला था आयू या कायम पढ़ने का रोज पढ़ने का रोज पढ़ने का, उसको सोने का टाइम आयू या कायम पढ़ के सोने का, तो इसके लिए तब से मैं पढ़ती हूँ रोज पढ़ती हूँ, मैं कोरोना हॉस्पिटल में भी थी ना तभी भी मैं पढ़ती थी, ये एक्चुअली रिमाइंडर है, सबको रिमाइंड करती थी ये पढ़ो वो पढ़ो सबको बोलती, मैं पूरी कितना 9 दिन तक हॉस्पिटल में थी ना, अकेले जिंदगी जीना बहुत रोती थी, उधर मैं रोती थी तो इधर इन लोग रोता था, तो तभी पढ़ती थी मैं रोज, तो आदत हो गया तब से मैं रोज पढ़ती हूँ पढ़ के सोती हूँ, सब पढ़ के ऊपर अल्लाह से दुआ मांग के सब पढ़ के सोती हूँ, जो भी गुनाह किए जो भी जो किए माफ़ी उफी मांग के फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह से चालू होता है मेरी ज़िंदगी की दूसरी पार्ट, यही है मेरा ज़िंदगी का सब कहानी आ गया मेरी, कि ऐसा है क्योंकि हमने जो बीता वो कल था, ये बात बात बोलना है कि हमने जो बीता वो कल दिखा था ना वो कल मतलब बीत गया, वो टाइम आज भी याद होता है लेकिन वो टाइम को भी याद करके ये सोचते हैं कि हाँ वो बीता हुआ टाइम था, बट अभी जो होता है अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बोले ना तो बहुत अच्छा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही जाते हैं, मतलब अभी ऐसे देखने में लगे तो अभी मैं भी जॉब पर जाती हूँ, अब्बा भी जाते हैं, हाँ मतलब अभी थोड़े दिन में ट्यूशन नहीं होगा फिर खाली मेरा एक ही लैब कराएगा, फिर मैं सोच रही हूँ ब्लड दूसरी भी एक कोर्स कर लूँगी ब्लड का, ब्लड टेस्टिंग का, तो वो भी करने से मुझे भी फ़ायदा होगा क्योंकि कहीं मुझे अगर एमरजेंसी में ये करना होगा तो मैं भी कर सकती हूँ कि नहीं, और अब इसका भी तबीयत खराब है, इसका कान में से ब्लड आ रहे तो अभी इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकती, अभी एकदम ईद हो जाए फ्री हो जाएंगे उसका बाद लेके जाएंगे इसको दिखाने के लिए डॉक्टर डोंबली में दिखाने का, इसको डोंबली में चेकअप होता है
तो उधर ही लेके आने का, इसको उधर ही फाइल, इसका फाइल उधर है तो उधर ही इसका चेकअप होगा, जो भी होगा उधर देखेंगे। और अभी छुट्टी गिर जाएगा इसका ट्यूशन का, फिर इसको इसका सिखाने का ब्लड टेस्ट का कोर्स कराने का, क्योंकि वो सीख जाएगा तो अच्छा। कभी इमरजेंसी में बुलाया सर जे आओ ब्लड टेस्ट कराने, तो इधर से इधर जा सकते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते उसका लैब जाने में हम लोग का घर से। तो ये तो हम लोग का सबका खाना हो गया, गोली वोली सब हो गया, अभी जा रही सोने। तो चलिए वीडियो भी ख़त्म कर दें। ऐसा ऐसा उल्टा पल्टा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक कमेंट के बाद से मैं बोलना, मैंने मतलब पहले बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि मैंने बोला जान दो क्यों मैं बोलूँ खाली कर दूँ, मतलब फालतू में झगड़ा हो इशू हो जाती है फिर। तो अभी के लिए इतना ही, कल से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इस वीडियो के साथ। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मत भूलना, और मेरे लिए दुआ करो और थोड़ी मोटी हो, क्योंकि लग रहा जाती कि खुद को थोड़ा मोटा मोटा लगता है, लेकिन हाँ अलहमदिल्ला मैं मोटी भी होगी, थोड़ी सी अगर वेट बढ़ गई तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनी अभी है ना ये वो उन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि मैं उन लोग नहीं हूँ, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं इसके लिए। बहुत जन कमेंट करता है ऐसा, इसमें नहीं यूट्यूब में नहीं, अपना ये यूट्यूब फैमिली मेम्बर नहीं करता ऐसा कमेंट, रियल में कमेंट करता है, बाहर जाएंगे ना कमेंट पास होता है कि यार हाँ शायद दिल में चलता होगा लोग क्या, बाहर जाओ ना तो कमेंट पास होता है, ओपनली पूछता है मौके पर ये तुम, ये तुम्हारी बेटी है, मेरे को उतना नहीं पूछते तो ये अकेले जाएंगे ना इसको पूछेंगे, तुम उन लोग का सागा बच्चा हो, सागी बेटी हो क्या, सौते लो क्या, किधर से गोद लिया है ऐसा वैसा, क्योंकि ये इतनी दुबली है यार, हम लोग तीनों मैं और मेरा लड़का एकदम फैमिली पैक है, हस्बैंड हस्बैंड थोड़ा है लेकिन मेरे यार मेरा लड़का एकदम फैमिली पैक है। अभी सच्ची में तो मेरे भी थोड़े से पेट भी थोड़े बाहर आ गए, मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरी भी ना थोड़ी सी वैसी हो रही है, मतलब मैं अपना मतलब अभी इतना मतलब उसको उसका पापा ने बोला जो अपन इफ्तारी का जो फूड लेके आते हैं ना, फूड खाते हैं फिर जो फूड बच जाता है ना, वो फूड को सुबह तू जूस बना लेने का, उसमें थोड़ा सी दूध डालने का, पूरा प्योर घाट वाला जूस रहता है वो, दो खजूर डालने का और वो जूस तू पी लेने का, तो रोज अगर वो जूस वो पियेंगे ना, उसमें सब फूड मिक्स रहता है और उसमें मिक्सर में ही पीसते हैं वो, क्योंकि उसको फिर अलग से वो जूस का खाली जूस ही निकल लेने का और उसका छिलका फेंक देने का वो नहीं, सब उसमें पीस जाता है, छिलका उलका सब पीस देने का एक खाली संतरा को फोड़े, तो संतरा डालूंगा ना तो फट जाएगा नहीं, ये मीठा है ये डाल सकती है, डाल सकता हूँ, लेकिन जो सुबह निकलता है ना संतरा, संतरा कभी कभी गला गला निकलता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं अभी डाल दे तो खत्म, तो पीता है वो ही पी के ये करता है, तो उसको ये आदत हो गई। अभी रमजान के बाद तो फिर नहीं मिलेगा, रमजान के बाद भी उसको ला के देंगे वो, अगर डेली वो कंटिन्यू अगर किया ना, सच्ची बोल रही कंटिन्यू किया ना, तो सब फूड थोड़ा थोड़ा ला के रख देंगे, वो कंटिन्यू पियेंगे, आधा आधा करके भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, तो भी वो तो आधा भी नहीं, अगर चार का एक हिस्सा भी डाला ना, एक एक हिस्सा करके, उसके लिए एक गिलास बहुत हो गया। अरे मेरे को दो दो गिलास होता है अभी, अभी जितना फूड निकलता है उसको दो गिलास होता है, तो मेरे लिए भी रखता था, मैंने बोली मत रख, मैं रोजा रखती हूँ ना, तो वो खाने के बाद ना मेरी मुँह कड़वा कड़वा लग रहा है था पूरा दिन, उसके लिए बोली मेरे लिए मत रख तू पी लेने का, तो यही नहीं लगा था, लेकिन कुछ भी बोलो मैंगो डाल के बना तो येलो बनता है, कभी खाली जैसे अनार डाल के बनाया, कलिंगर डाल के बनाया तो अनार भी है डाल देने का, अनार कलिंगर सब, मेरे को तो ये भी नहीं मिला जाम और पेड़ नहीं रहता, तो उसके लिए मैं बोलता नहीं गुड़ नहीं डाल तो बाकी सब डाल, कलिंगर तो मैं आधे का आधा डालता हूँ तब भी इतना ही, सब डालने का डाल सकते हैं, मैंने एक बार डाला था काजू बादाम, फिर मैंने बोला जान दो ये खजूर तक का ठीक, खजूर कैसे खाएंगे तो अच्छा लगता है, तो चलेगा ऐसे चल, सो एक बजने जा रहे हैं, 12:24 हो गए, 2500 नहीं, तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शिव डीम।
और हैप्पी नेक्स्ट डे। तू इतनी लंबू है वो जो मेरा हाथ ही नहीं है होता। हैप्पी नेक्स्ट डे, दुआ में याद रखना। तो चलिए कल रात आप लोग से मिल रही। चलिए बाय। और ये मैडम का 24 हो गया है कम्प्लीटली अलहमदुल्ला। अभी और कितना 25 नहीं, कल 24 रोज आ नहीं, कल 25 है, 23 रोज आओ आज नहीं, 12 तारीख से चालू। अरे 4 है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हाँ 25 रोज आ गए, 2500 रोजा। कल 2500 है, आज रात को मैं बताऊँ क्यों, आज रात को 1 बजे मतलब जो एक है मैं जिनका मतलब स्टोरी देखती हूँ ज़्यादा ज़्यादा इंस्टा में, वो 21 रोजे 22 रोजे ये रोजे के दिन वो लाइव आए थे रात के 1 बजे 3 बजे तक, क्योंकि वो लेडी है, सारे लेडीज लोग सारी जितने मतलब गर्ल्स जो उनके अंडर में काम करते टीम वाले। चल वैसे ही मैं बता कल मिल लूँ। बाय।